तो भाई आज कहाँ जा रहे हैं? आज अपने आज हम जा रहे हैं जुहू बीच। जुहू बीच जा रहे हैं। और हम आज और अभी बोरीवली से है ना, बोरीवली बोरीवली कांदीवली सब जगह से जा रहे हैं। बोरीवली कांदीवली वेस्ट से हम जा रहे हैं जुहू बीच। और चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे 10 रुपए की चाय मिल जाएगी और बड़ा पाव, मिसल पाव, हर जगह तरीके का पाव वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। भाई आओ और खाओ। तो जी स्पेशल चाय की दुकान मुंबई में, और यहाँ हमारे पास अभी चाय, क्या बोलते हैं इसको भैया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं शायद इसको यहाँ पे, मिसल पाव बोलते हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे सेकेंडरी कैमरा, दूसरे कैमरे दिखाते हैं आपको। एंड दिस इज मस्काबन, चाय के साथ बहुत अच्छा होता है मस्काबन, बहुत चलता है मस्काबन चाय के साथ। मोस्टली लोग मस्काबन या जैम बन यही खाते हैं। मस्काबन और ये रही चाय, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। अंदर क्रीम होता है बन के अंदर, इसके अंदर है क्रीम, बन के अंदर क्रीम होता है, ठीक है। और ये केवल मुंबई में बहुत चलता है, ये और जगह मिलता होगा तो मुझे पता नहीं, और शायद ही मिलता है। और ये आ गई हमारी चाय, और चाय पी लो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो और विसल पड़ा खा लो, विसल पाव खा लो। और ये सब्जी जो है गरम है वो, ठीक है। और चने हैं इसके अंदर, और कुछ भुजिया डाल रखी है साथ में, प्याज है, नींबू है, और पाव 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 मुंबई में हर जगह पाव मिल जाएगा आपको। और भाई खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और ये रही भाई शॉप जहाँ पे हम अभी, मतलब कि यहाँ से आपको मिल जाएगी चाय वगैरह। और ये कुछ मराठी वगैरह में लिखा हुआ है, 20 रुपये, 25 रुपये। और चाय हमें, चाय कितने की मिली हमें, चाय 10 रुपीज़ की चाय है केवल यहाँ पे। तो कोई भी आता है यहाँ पे तो आए यहाँ पे बोरीवली में, इस वक्त हम गणेश कांदीवली में, गणेश नगर में। तो बढ़िया, एक नंबर चाय पी के देखते हैं कैसी है। तो मस्का पाव मैं पहली बार खा रहा हूँ ऐसे ही है, तो पता नहीं ये क्या बन, कौन सा बन था ये, मस्का पाव, मस्का पाव ये इसको बोलते हैं। तो देखते हैं पहली बार खा के। चाय की दूसरिया लेते हुए अच्छा है, 10 रुपये में बहुत अच्छा है, क्रीम है इसके अंदर, क्रीम कर रहा है, खट्टी मिट्टी से टेस्ट होगा इसका। तो मैं पहली बार खा रहा हूँ सही में, तो सही है। ऋषि नारंग मिसाल पाव का आनंद लेते हुए चाय के साथ ख़त्म कर दिया इन्होंने मिसाल पाव अकेले अकेले ही, बिना मेरे से पूछे। भाई ऐसा है कि मैंने पहली बार खाया है ये भुजिया वगैरह, इसमें तो पंजाब में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं, ठीक है। बट जैसा है जो है सही है, तो बढ़िया एक्सपीरियंस है, आओ और खाओ। तो हमारा ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच हो गया है, और अब हम आगे दूसरी साइड जाते हैं, लेते हैं बस, लेते हैं ट्रेन, आपको बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक जरूर देखिए। से बस का वेट कर रहे हैं, धूप लग रही है, आप मान सकते हो इस वक्त कौन सा, दिसंबर का महीना चल रहा है ना, दिसंबर के महीने में 32-33 डिग्री टेम्परेचर, 33 डिग्री टेम्परेचर है। और देख लो एक शर्ट पहनी हुई है इसके, मतलब कुछ नहीं पहना हुआ, और वो कैसे नीचे कुछ भी डाले हुए ऐसे है, धूप इतनी है, तकड़ाके की रन करके दिखाओ ना कितना, मतलब कड़ाके की धूप पड़ रही है और पसीने आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हो तो फिर भाई गर्म कपड़े तो मत ही लेके आना, एक जैकेट ले आना जरूरी है। अभी ठंड के मौसम में आते हो तो, ठंड के मौसम में आते हो तो, क्योंकि बारिश वारिश का अभी बारिश तो हुई नहीं है, बट होती है मई जून जुलाई में तो कभी भी बारिश हो जाती, पता नहीं चलता कुछ भी। बट मैंने आज तक ऐसा सुना था कि मुंबई में बारिश कभी भी हो सकती है, और शायद बस आ रही है हमारी। दिस इज अ मुंबई बस, पीछे से चढ़ो, पीछे से चढ़ना होता है, ठीक है। और कंडक्टर खड़ा है पीछे, आपको पीछे कंडक्टर आपको खड़ा ज़्यादातर मिल जाएगा लोकल बस में, और अगर आप नए आए हो तो आगे से उतरना बस के, ठीक है। और ये चली गई बस, एंड हर बस का एक नंबर है, लाइक 252
259 हर एरिया का, लाइक कैंदी वाली बस जाएगी अंधेरी से 259, और अगर तुमने जू जाना है तो 254, वैसे बस का नंबर आपको देखना होगा एम टिकट ऐप से, आपको जल्दी आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी बस पकड़नी है किस एरिया से, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मराठी में लिखा होता है कितना क्या नंबर है। एसी बस भी चलती है यहाँ पे लोकल, अगर आपको जाना है कहीं भी तो भाई लोग पीछे से चढ़ रहे हैं यहाँ पे और आगे से उतर रहे हैं, ऊपर बस का नंबर चल रहा है और वो बस का नंबर चल रहा है 345 बस का नंबर है, मलाड स्टेशन जाएगी और ये हो गया भाई दरवाजा बंद, और भाई बस का नंबर देख के चढ़िए और ऑटोमेटिक बस होती है भाई, नाम और नंबर बस का लिखा हुआ अगर आपको नहीं पता लगता, आगे मराठी में चलता है लेकिन पीछे आप देख सकते हैं नाम गायकवाड़ नगर जाएगी ये बस लिखा हुआ है। एंड आपको बस स्टैंड के बारे में बताते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि जो बस स्टैंड है जैसे जहाँ पे बसें रुकती हैं उसको बोलते हैं बेस्ट, तो बेस्ट बस थाना लिखा हुआ है यहाँ पे कांदीवली, अभी इस वक्त हम कांदीवली में है सारा कुछ, तो भाई इसको बोलते हैं बेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ये लगा हुआ है जैसे जहाँ पे बसें रुकती हैं, बसेज आ रही हैं जा रही हैं लगातार, और हर बस स्टॉप पे, हर बस नहीं रुकती, आप बस स्टॉप पर खड़े होंगे आपको बस का नंबर देखना होगा उस बस स्टॉप पे वो बस रुकती है या नहीं रुकती, जब भी आपको फ़ायदा है वहाँ वेट करने का, अगर वेट करते रहेंगे और वो बस वहाँ नहीं रुकेगी आपके आगे से चली जाएगी, तो आप बस नंबर और बस स्टॉप पे नंबर मैच करके ही बस में चढ़िए, मतलब बेस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई इस पे लिखा हुआ है कुछ नंबर, ठीक है, तो जोन से नंबर पे आपको जाना है तो वो देख के खड़े होइए कि आप ऐसा ना हो कि आप गलत बेस्ट पे जाके खड़े हो जाए तो वो नंबर की ट्रेन, वो नंबर की बस आपको मिलेगी नहीं वहाँ पे। एंड जो बस का फेयर है नॉर्मली 5 रुपये से स्टार्ट है हमारा, उससे कम है 4 रुपये भी है, एंड मैक्सिमम किलोमीटर तक आप कवर कर सकते हैं 5 रुपये में, आप अराउंड 10-11 किलोमीटर कवर हो जाता है, एंड अगर मैक्सिमम जो टिकट है अराउंड 23-24 रुपये तक की है बस में, तो सबसे सस्ता ट्रैवल है ट्रेन के बाद दूसरा बस का, आपने अगर ज़्यादा टूर ज़्यादा ट्रैवल करना है तो आपको ट्रेन लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, अगर आपने थोड़ा इंटरनली ट्रैवल करना है नज़दीक के एरिया में तो आपको बस मिलेगा, आपको अगर ज़्यादा बस में ही ट्रैवल करना है तो आपको 2-3 बार बस चेंज करना पड़ेगा, बस नहीं कर सकते हो रिलेटेड टू ट्रेन। तो भाई बस का सफ़र थोड़ा हमें सही पड़ रहा है मतलब देखा जाए तो, और जो भी यहाँ पे ऑटोज़ वगैरह है ना, ऑटोज़ वगैरह का भी मैं आपको दिखा दूँगा कि उनका मीटर का क्या सीन होता है ना, क्योंकि उनका अलग से सिस्टम चलता है, उनका किलोमीटर के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं यहाँ पे मीटर पे, और बस का तो स्टॉप टू स्टॉप का है कि 5 रुपये की टिकट या 10 रुपये की टिकट है या 20 रुपये की, एसी में शायद 20 या 25 की टिकट समथिंग लगी थी, तो अच्छा रहेगा अगर आप बस वगैरह को अगर थोड़ा सा रीड कर लोगे ना, थोड़ा समझ जाओगे कि भाई कैसे चलती है लोकल बस, तो अच्छा रहेगा। सो मच कॉस्टली चीज़ है, चाहे आप किसी भी एरिया में जाओ रेंट भी बहुत ज़्यादा है, डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो शॉप्स वगैरह है, जो सेकेंड फ्लोर की है उनकी छतें हमेशा टीन की है, चाहे घर हो सेकेंड, मतलब जिनका बस घर है बिल्डिंग में नहीं बाहर, छतें हमेशा टीन वगैरह की रहती है, आपने देखा होगा मोस्टली टीवी वगैरह में, क्योंकि वो छत भी किसी को रेंट पे आगे सेल कर सकते हैं जब भी बनाना हो उसके ऊपर, वो ऊपर फ्लोर बाय फ्लोर बना सकते हैं। ये देख लो बोरीवली कांदीवली में हम गणेश नगर के बाहर, ठीक है, और छतें यहाँ पे सारी की सारी क्या है कि टीन की है, जैसे भाई ने बताया कि भाई ये कभी भी मतलब क्या है कि बढ़ा सकते हैं आगे, और मतलब इनका विजन काफ़ी दूर का होता है, तो भाई वेटिंग भी चल रही है, 2 घंटे हो गए वेट करते हुए, हो जाता कभी कभी भाई, कुछ हरियाणा में बोल दे बस करना। अब मेरी बस मिल गई है फाइनली हमें 224, और अभी हमने टिकट ले लिया है 20 रुपये का टिकट है, हम यहाँ से चढ़े हैं जू तक का, एंड बस अभी खाली है, आप बताते हैं बस में टिकट कैसे काट रहे हैं कंडक्टर जी। यहाँ टिकट कट हो रही है अभी, लास्ट से भी लास्ट पिछले दरवाजे से आप चढ़ते हो, ये पिछला दरवाजा है जहाँ से हम चढ़ना है हमने, और अगला दरवाजा जाएंगे टिकट काटने के लिए, आपको लास्ट से टिकट लेके जाना पड़ेगा आगे बैठने के लिए, और ये रही बस भाई। खाली है, एंड यहाँ पे ऊपर की साइड आपको एक रस्सी लटकती हुई दिखाई देगी, ये आप खींचोगे तो ड्राइवर को, हाँ आप नहीं खींचोगे।
करोगे आपने अगर पीती तो आपको जुर्माना है, एक कंडक्टर पीजिएगा तो ड्राइवर को इशारा समझ आएगा कि बस रोकनी है या चलानी है। तो भाई है नॉर्मल सीटी बजाते हैं तो यहाँ सीटी बजाना अलाउड नहीं है आपको, यहाँ कंडक्टर यहाँ रस्सी खींचता है, खींचा इसने रस्सी तो बस रुकने का इशारा, रुक गया बस, सवारी अभी चढ़ गया एंड दोबारा उसने दबाया तो चल गया। अब यहाँ पे कंडक्टर की टिकट काटेंगे, पैसे दिए और ये अभी टिकट काट कर दे देंगे, देखिए ऐसे मशीन के थ्रू, और पीछे बंदे की टिकट काट रहे हैं ये देखिए। हाँ आपका वीडियो बना रहे हैं ये देखिए, ऐसे टिकट का लेना बचा हुआ पैसा दे रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई ये है मलाड इंफिनिटी मॉल, तो बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे ये, भाई अभी भी पीछे निकल के गया है इंफिनिटी मॉल, बहुत बड़ा मॉल है यहाँ, उसमें भी जाएंगे हम शाम को, कोशिश करेंगे कि आपको वो भी घुमा दें। और भाई वो जो मैंने आपको रस्सी दिखाई है ना, ये भाई बिल्कुल मत खींचेगा, बाहर से आए हो ना तो इस रस्सी से बिल्कुल दूर रहना, मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, इस रस्सी से भाई दूर रहने का। कभी ऐसा हुआ है कि कंडक्टर की सीटी पकड़ के तुमने सीटी बजा दी हो, तो ये वही हिसाब है कि कंडक्टर के लिए ये सीटी है यहाँ पे, तो समझ लो मेरी बात को कि भाई बाहर से आ रहे हो तो ये बिल्कुल रस्सी कसूती चीज़ है, कसूती है क्या है भाई हरियाणवी में पूछते हैं, क्या है ये रस्सी, क्या है बाहर के लोगों के लिए, खतरनाक चीज़ सामने चाह होगा कि ऊपर जो रस्सी टांग रखी है सामने कि मैं करण का जी होगा कि हम इसने खींचा ये होगा उसका जमाना की क्यों खींचोगे तो बस तड़ा उतर जाओगे, सामने नहीं लेके जाओ आपका कंडक्टर बस ड्राइवर तो भाई बस से उतार देंगे साथ ही साथ ही, जेडे भी पंजाबी बंदे सुनते हुए मैं जेडे पंजाबी समझते आपू दस दईए कि ये रस्सी तो बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल खतरनाक चीज़ है बिल्कुल। ये आ गया भाई गोरेगांव और ये आ गया हमारे सामने बिल्कुल दिखाई, और बेट बार थोड़ा ध्यान से मतलब इन और बेट मलाड अभी जाएंगे शाम को इसमें भी, एंड यहाँ पे अभी मेट्रो का काम चल रहा है तो मेट्रो बहुत ही जल्द मुंबई में स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये हमारा ये इन और बेट है, अभी शाम को जाएंगे अभी हम बस में हैं तो ऐसा भी मस्जिद नूर एक होटल करके आ गया यहाँ पे, और थोड़ा बहुत जाम वगैरह तो लगता रहता है यहाँ पर, रस्सी देखो हमें खींची हुई है, अभी दोबारा जब फिर रस्सी खींचेंगे तो बस चलेगी। ये है इन्फिनिटी अंधेरी, इन्फिनिटी यहाँ पे दो जगह पे है और पीछे भी हमने इन्फिनिटी देखा था, और ये भी आ गया इन्फिनिटी भाई, एंड ये मेट्रो का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, जो लोखंड वाला की साइड मेट्रो जा रही है, थोड़ा सा यार देख ले माफ करना, बस में है तो इस वक्त थोड़े काफ़ी चेक कर रहे हैं बस, बस में ना इस वक्त इसलिए लक्ष्मी इंडस्ट्रियल है, इसमें मोस्टली जो है हमारी फर्नीचर से रिलेटेड या होलसेल शूज कपड़े उनकी शॉप्स हैं। आफ्टर बस के ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए हैं जुहू बीच पे, जो जुहू चौपाटी पे, और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा एक दो मिनट का ट्रैवल है तो आपको दिखाते हैं जुहू बीच। एक कांदी वाली बस से हमने पकड़ी थी और लगभग एक घंटे का ट्रैवल करके आ चुके हैं हम, तो देख चलते हैं अब जुहू बीच, और बीच पे आपको नारियल पानी पीते हुए तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा सबको, तो नारियल पानी यहाँ पे मिल रहा है, और बस से उतर के दो मिनट की दूरी पे हम जा रहे हैं जुहू बीच की ओर, एंड देखिए जुहू बीच पे क्या दिखता है हमें समुद्र के अलावा, तो दिखेगा ही लेकिन माई व्यू जुहू बीच जो है मुंबई का लोकल बीच है, आपको तो यहाँ क्राउड दिखेगा ना, मेरे ओपिनियन में लोकल बीच है, तो आपको
दिख ही गया होगा, हम चल के पहुंच गए हैं जो बीच आपको दूर से दिख रहा होगा। बीच जो है तो लुफ्त उठा रहे हैं नेहरू का वहाँ पे, एंड इसीलिए मैं आपको लोकल बीच कह रहा था। यहाँ पे मोस्टली लोग लोकल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जैसे कि गंगा है यहाँ पे, लोग अपने पाप धो रहे हैं। कितना सुनहरा सीन है, मौका है, आप देखिए क्या लोग काशी में पाप धोने जाते हैं, गंगा में, यहाँ बॉम्बे की गंगा है ये जो भी देखिए, तो लोग दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे लुफ्त उठाने हैं। पूरा गोवा वाला फील है यहाँ पे, एंड देखिए आप सब यहाँ पे आपको भुट्टा जूस मसाज लेना है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ, चटाई मिलेगा आपको। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, एंड अभी हम पहुँचे हैं, हम भी लुफ्त उठाते हैं नज़ारे का। हेलीकॉप्टर जाते हुए जू बीच के ऊपर से, एंड ये जो यहाँ पे हम जू बीच है मुंबई का लोकल बीच मेरे व्यू से, एंड ये यहाँ पे लोग एंजॉय करते हुए, यहाँ पे आप चटाई लेके बैठ सकते हैं अगर आपने लेना है तो, एंड खाने पीने की यहाँ पे स्टॉल वगैरह है जो आप नारियल पानी जूस वगैरह एंड भुट्टा वगैरह चाय कॉफ़ी भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड लोग वहाँ पे खड़े हैं, देखिए आप लहरों के यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, आपको बोट मिल जाएगा, तो अच्छा है, आप आइए खाइए। स्पीड पकड़ ली है, अब पकड़िए 1 करोड़ वाली स्पीड इसने, हेलीकॉप्टर से भी तेज स्पीड पकड़ ली है। करो लो, और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि पंजाबी इतने आए हैं, मजेदार पंजाबी ने धक्का दी, मजेदार एंड मजेदार रास्ता है।